मेरे साथियों, जैसा कि मुझे मालूम हुआ है कि यहाँ पर हमारे बिरादरान वतन भी हैं, इसीलिए मैंने मंत्र और श्लोक कुछ ज़्यादा ही उनके किताबों के हवाले से मैंने पढ़े। ज़रूरत है मैं पढ़ता हूँ, ज़रूरत पड़ जाती है तो मंत्र के श्लोक के, ऋग्वेद हो, यजुर्वेद हो, सामवेद हो, अथर्ववेद हो, मैं पढ़ता हूँ। लेकिन ज़रूरत के तहत किसी को खुश करने के लिए या अपने आप को चतुर्वेदी कहलाने के लिए नहीं, बल्कि जहाँ ज़रूरत महसूस होती है, जिनको समझाना होता है, जैसे हम इस्लाम के अहकाम को समझाने के लिए हम कुरान पढ़ते, कुरान करीम की आयतें तिलावत करते हैं, अल्लाह की वहदानियत समझाना हो तो वहाँ हम कुरान की आयत पढ़ते हैं, नमाज की पाबंदी को बताना हो तो वहाँ पर हम कुरान की आयत पढ़ते हैं, सूद के ऊपर बात करना हो तो वहाँ पर कुरान की आयत पढ़ते हैं। जैसे अभी नशामुक्त अभियान और आसान निकाह के बारे में ये पोस्टर और बैनर पे लिखा हुआ है, उसके ताल्लुक से हम कुरान और हदीस की आयतें हदीस पढ़ते हैं, हदीस की रिवायात पढ़ते हैं, कुरान करीम की तिलावत करते। तो सेम इसी तरह पर हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ भी बहुत सारी ऑथेंटिक बुक्स हैं, धार्मिक धर्मशास्त्र हैं, उनकी मसले की किताब है, उनके संविधान के किताब है, धार्मिक एतबार से मनुस्मृति है, श्रीमद् भगवद गीता है, पुराण भी है। बल्कि अब एक बहुत बड़ी हस्ती बिहार में, गुप्तेश्वर पांडे जी, वो भारत की, हमारे इस बिहार स्टेट की पुलिस लाइन में एक बहुत बड़े बड़े पोस्ट पर थे, DIG थे, वहाँ से रिटायर हुए। तो अभी 2-3 दिन से पूर्णिया ज़िला के अंदर वो भगवत कथा में चल रहे हैं, यानी कौन सी बातें भगवत पुराण में है, गीता में है, जो अच्छी है और हमें जिसके जानकारी होनी चाहिए, वो इसके ऊपर यहाँ पर प्रवचन भी दे रहे हैं। तो ज़रूरत पड़ने पर हम अपने हिंदू भाइयों को भी बताने की कोशिश करते हैं और मैं यहाँ पर भी करूँगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ये बात हज़म नहीं होती। अगर हिंदू मुसलमानों के करीब जाता है या मुसलमान हिंदू के करीब आता है तो कुछ लोगों को ये बात नागवार गुज़रती, चाहे वो कोई नेता हो, चाहे वो कोई ऐसा आदमी होगा जो समाज को बांटने के लिए मेहनत करता है, लेकिन जब देखता है कि ये दोनों बिरादरी, इसलिए कि एक मेजोरिटी में है और एक सेकंड मेजोरिटी में है, हमारे हिंदू भाई मेजोरिटी में अक्सरियत है और दूसरी बड़ी अक्सरियत, दूसरी बड़ी, पहली वो और दूसरी वो, हमारे मुस्लिम, ये दोनों जब मिलने की कोशिश करते हैं तो कोई ना कोई शोशा छोड़ दिया जाता, जिसकी वजह से आपस में रंजिशें बढ़ जाती, आपस में भेदभाव बढ़ जाते। वरना सच पूछिए तो ऐसा कुछ नहीं, हमने पढ़ा है बहुत बारीक से, आप लोग भी अगर पढ़ेंगे तो यकीनन आपको भी जानकारी हासिल हो सकती। अभी देखिए 17 दिसंबर से लेकर 19 दिसंबर तक एक धर्म संसद के नाम सर एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया गया हरिद्वार में। मेरे हिंदू भाइयों, कितना एक सुंदर मंत्र है जो नोट पर लिखे हुए होते हैं, पैसों पे, नोट पे, सत्यमेव जयते, लेकिन पता उसको क्या बना दिया, सत्यमेव जयते का मतलब है कि हमेशा सच्चाई की जीत होती। अल्लाह के नबी का फरमान, अस्सिद्क युंजी वल किज़्ब युहलिक, अस्सिद्क युंजी वल किज़्ब युहलिक, सच्चाई निजात दिलाती है। बल्कि एक तरह से एक बड़े मकूले के शक्ल में पेश किया गया, सत्यमेव जयते, सच्चाई आदमी को निजात दिलाती, वक्ती तौर पर परेशानी आ सकती है, लेकिन सच्चाई जब कोई आदमी अपनाता है तो यकीनन उसको फिर कभी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन इसको कैसे बदला गया पता है आपको? वहाँ पर उस धर्म संसद में, उस प्रोग्राम में, और छोटी मोटी हस्ती नहीं, बड़ी चोटी के हस्ती थे, कैसे वो इस तरह की बातें करने लगे, समझ से बाहर की बात। उन्होंने कहा शस्त्रमेव जयते, सत्यमेव को शस्त्रमेव जयते कह दिया,
यानी शस्त्र के जरिए से निजात, जीत हासिल हो सकती है, कामयाबी हो सकती है। कितना खूबसूरत मंत्र पहले था वो कि सत्यमेव जयते, अब उसको कह दिया शस्त्रमेव जयते। मतलब आप उनकी मानसिकता का अंदाज़ा लगा सकते। शस्त्र मतलब हथियार, वेपन्स। शस्त्र के मतलब लड़ने वाले, तलवार, नेजे, भाले। हम इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि हथियार ज़रूरी है, लेकिन किसी मज़लूम, किसी मासूम निहत्थे पर वार करने के लिए नहीं, बल्कि हथियार ज़रूरी है राक्षसों के वध करने के लिए, उनका दमन करने के लिए, देश के दुश्मन के खात्मे के लिए, उसके लिए ज़रूरी है। एक मानव है, मानव जितने भी ये मानव जाति है, धर्म अलग अलग हो सकता है, लेकिन ईश्वर की नज़र में हर एक मानव का एक मकाम है। अगर वो हिंदू है उसका क्या मकाम ईश्वर के नज़दीक, कुछ ना कुछ मकाम है। मुसलमान है तो अल्लाह के नज़दीक क्या मकाम है अल्लाह जानता है। क्रिश्चियन है तो उनके अकीदे के मुताबिक उनका जीसस जानता है, क्राइसिस जानता है। जैन बौद्ध है तो उनके अकीदे के हिसाब से उनका परमात्मा खुदा जानता है। लेकिन किसी ना किसी का अपनी ज़ात के एतबार से उसकी एक अहमियत, एक पहचान है उनके ईश्वर, उनके खुदा के नज़दीक। अब वो ये कहते हैं कि हम 25 लाख लोगों को जब तक नरसंहार नहीं करेंगे, मारेंगे नहीं। क्लीजिंग का वर्ड इस्तेमाल किया गया था पड़ोस के किसी म्यांमार में। हम क्लीजिंग करेंगे, क्लीजिंग का मतलब इतना मारेंगे कि इनकी आबादी कम हो जाएगी। किनकी? इन्हीं मुसलमानों की। इस तरह की बातें नहीं सही लगती धर्म के प्लेटफॉर्म्स। इस्लाम एक धर्म है, सनातन एक धर्म है, कन्फ्यूशनिज्म एक धर्म है। कोई भी धर्म किसी को मारने की या किसी को परेशान करने की का वर्णन नहीं, वो इजाज़त नहीं देता, कहीं पर भी नहीं मिलेगा आपको। हम पढ़ते हैं, हमें मालूम है, आप भी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। इसीलिए प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, इन तमाम चीज़ों में देखा जाए तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, इन्नकल आला खुलुकिन अजीम, यू आर ऑन द सुपीरियर ऑफ अ कैरेक्टर। आप अखलाक के एतबार से, आप अपने सलूक के एतबार से सबसे बेहतर मकाम पर थे। इमाम बुखारी ने अपनी किताब में यह रिवायत नकल की, लम यकुनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फाहिशन वला मुतफाहिशन। आप अली सलाम बदजुबान नहीं थे, आप अली सलातु वस्सलाम गाली देने वाले नहीं थे। आप अली सलातु वस्सलाम ने अपनी ज़ुबान से किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाई थी प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बल्कि काना यकूलु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने कहा कि नबी पाक अली सलातु वस्सलाम, मिन अखियारिकुम अहसनकुम अखलाका, तुम में सबसे बेहतरीन इंसान अपने अखलाक के एतबार से इस दुनिया के अंदर अगर कोई है तो उस शख्स का नाम, उस ज़ात का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी को कहा महाप्रिय मसीयज्ञ। इसी को कहा वेदों में, ऋग्वेद में, नराशंस महाप्रिय मसीयज्ञ। वो नर आशंस जिनकी तारीफ की गई, वो इतने महान थे महाप्रिय। आसान वर्ड है मसीयज्ञ। पूरी दुनिया के लोग उनसे मोहब्बत करेंगे, पूरी दुनिया के लोग उनसे मोहब्बत करेंगे। जैसे एशिया महाद्वीप में श्री रामचंद्र जी से लोग मोहब्बत करते हैं, श्री कृष्ण जी से मोहब्बत करते हैं, ऐसे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूरी दुनिया में महाप्रिय मसीयज्ञ, पूरी दुनिया में मोहम्मद रसूलुल्लाह से लोग मोहब्बत करते हैं।